अक्षर के नाम की। अद्भुत है महिमा दो अक्षर के नाम की। सुनो राम कथा और जय बोलो श्री राम की। सुनो राम कथा और जय बोलो श्री राम की। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, है सुफल दायिनी रामायण सुख धाम की। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भारत के लिए मैंने राम को वनवास भेजा, उस भरत ने अपने राज्य अभिषेक में नहीं बुलाया, मुझे नहीं बुलाया। राम राम अपने हृदय से मेरा आदर करता था और मैं मूर्ख बिना कारण उसे तिरस्कार करती थी। महारानी महारानी राम को बुला लीजिए, महारानी राम को बुला लीजिए। गुरुदेव, यदि आज सूर्यास्त तक राम भैया के लौटने की सूचना नहीं मिली तो अपना प्रण पूरा करते हुए मैं जलती की चिता में कूद कर अपने प्राण त्याग दूंगा। मैंने इसीलिए आपको यहां बुलाया है गुरुदेव, कि मेरे पश्चात और राम भैया के अयोध्या लौटने तक अयोध्या का राज आप संभालेंगे। गुरुदेव, मुझे तो लगता है कि 14 वर्ष की अवधि के बिछोह में राम भैया मुझे भूल गए हैं। प्रणाम मान्यवर। जिसे धर्म का सूर्य कह के स्मरण किया जाता है उसे कोई कैसे भूल सकता है। ब्राह्मण देवता, आप कौन हैं? मैं उन प्रभु का सेवक हूं जो सदा आपको धर्म का सूर्य कहते हैं।
मैं आपके लिए एक शुभ समाचार लाया हूँ। प्रभु श्री राम सीता मैया और लक्ष्मण भैया के साथ आ रहे हैं। आप मेरे लिए प्राणों से अधिक प्रिय, अधिक मूल्यवान हैं, जो आपने मुझे इतना आनंददायक समाचार दिया। मेरे राम भैया कहाँ, जानकी भाभी, और मेरा प्राणों से प्रिय लक्ष्मण कहाँ, मुझे बताइए महात्मा। उनके दर्शनों के लिए मेरे नेत्र व्याकुल हो रहे हैं। इस समय वे प्रयाग में भरद्वाज मुनि के आश्रम में ठहरे हुए हैं। कल पुष नक्षत्र के योग में आपको बिना किसी विघ्न के प्रभु श्री राम के दर्शन होंगे। अरे अरे, ये क्या कर रहे हैं आप? प्रभु श्री राम का सेवक आपका भी सेवक है, आपने मुझे पहचाना नहीं? जय श्री राम। हनुमान, मेरे मित्र हनुमान, पवन पुत्र हनुमान। गुरुदेव, ये शुभ समाचार आप राजभवन पहुंचा दीजिए और शत्रुघ्न से कहलवा दीजिए कि अयोध्या वासियों को सूचित कर दें कि अयोध्या के राजा प्रभु श्री रामचंद्र लौट रहे हैं। राम बड़ा भाग्यशाली है जिसका जीवन महाराज विभीषण, महाराज सुग्रीव और तुम जैसे मित्रों ने समृद्ध किया है। प्रभु, मैं तुम्हारे ऋणी हूं। आप मेरे ऋणी हैं या मैं आपका ऋणी हूं? मैं आपका ऋणी हूं मित्र। आइए प्रभु, आइए। अब हमें आज्ञा दीजिए, भरत हमारी प्रतीक्षा कर रहा होगा। रघुनंदन, यहां से वनवास जाते समय मैंने गंगा मैया से प्रार्थना की थी कि सकुशल लौटने पर मैं उनकी पूजा करूंगी। अवश्य। राजमाता कौशल्या की, राजमाता कौशल्या की, राजमाता कौशल्या की। हमें तो भय लग रहा है कि राम आए और ये कह कहीं कोई ऐसी योजना ना बना दे कि हमारे राम को फिर से हमसे दूर भेज दे। हमें ही इसे यहाँ से बाहर करना होगा।
जय श्री राम। सियापति रामचंद्र की, माता कौशल्या की। सियापति रामचंद्र की, माता कौशल्या की। यही है ना कैकई, जिसने हमारे राम को वनवास भेजा था? हाँ हाँ, यही वो कैकई है। इसी के कारण हमारे राम हमसे दूर चले गए हैं। इसे ही सिंहासन चाहिए था ना? तुम्हें तो राम माँ कहता था ना, और उसी को वनवास भेज दिया। कैसी माँ हो तुम, कैसी माँ हो? शांत हो जाइए, पीछे जाइए आप। क्यों क्यों पीछे चली जाऊं? मैं राजमाता कौशल्या से पूछना चाहती हूँ, इस केकई को अब तक उन्होंने राजभवन में क्यों रखा है? क्यों अयोध्या से बाहर नहीं किया? क्या आप सूर्य वंश के अस्त होने की प्रतीक्षा कर रही हैं? माँ जी शांत हो जाइए, राम को आ जाने दीजिए, वो आपके सारे प्रश्नों के उत्तर दे देगा। परंतु राम के आने पर ये कहकर यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। आप बड़ों का आदर करना भूल गए हैं क्या? मत भूलिए, माता कैकेयी राजमाता है। जिसने हमारे राम का अनादर किया, हम उसका आदर कैसे कर सकते हैं? हम भूल नहीं सकते, इसी कैकेयी ने हमारे राम का राज्य अभिषेक रोका था। हमें तो भय लग रहा है कि राम आए और ये कैकेयी कोई ऐसी योजना ना बना दे कि हमारे राम को फिर से हमसे दूर भेज दे। उससे तो अच्छा है इस कैकेयी को ही दूर भेज दो। देखो कितनी ठीठ है, इतना कुछ सुनने के बाद भी यही खड़ी है। कोई दूसरी होती तो तत्काल अयोध्या छोड़कर चली जाती। ये यहाँ से नहीं जाएगी, हमें ही इसे यहाँ से बाहर करना होगा। कैकेयी दीदी, मैं अभी अयोध्या छोड़कर चली जाऊंगी। अपने राम से मिले बिना? राम जब पूछेगा कि मेरी माँ कहाँ है, हम क्या जवाब देंगे कैकेयी? Oh, my God.
श्री राम। वो देखो विमान आ रहा है। जन्मभूमि का तो स्वर्ग से भी ऊपर है, वर्षों के बाद हुई फिर इसकी वंदना। कण कण इस माटी का स्नेह से सुगंधित है, चंदन को तुच्छ करे माटी ये चंदना। माटी को शीश झुका शीश लगा प्रभु सोचे, ये सुख संतोष कहीं इतना आनंद ना। सारा जग विचरण कर आज ये आभास हुआ, श्वास कहीं ले पाए ऐसे स्वच्छंद ना। ये धरती माँ, मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ जो मुझे यहाँ आने का फिर से सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। कल्याण हो, उठो राम। गुरुदेव राम राम, तुम्हारी कीर्ति युगों युगों तक फैलेगी। राम, तुमने रावण का वध करके अपने पूर्वजों के साथ साथ अपने कुल का नाम और भी रोशन कर दिया। वहां रहने वाले ऋषि मुनियों के साथ साथ मैं भी बहुत प्रसन्न हूं। मैंने कुछ नहीं किया है गुरुदेव, जो हुआ है आपके आशीर्वाद से हुआ है। कल रात 9:30 बजे देखिए।